जनता आवाज र प्रत्यक्ष संवाद अर्थात हाम्रो तपाईको हामी सबैको मन की बात हो। यसरी नै करोडौं जनतासँग जोडनुहुन्छ हाम्रा प्रधानमन्त्री। आकाशवाणीमा हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार मन की बात कार्यक्रमको साथ 3 अक्टोबर 2014 देखि सुरु भएको यो श्रृंखला यसपटक अप्रेलमा आफ्नो 100 एपिसोडको साथ जारी रहनेछ। यस अवसरमा आकाशवाणीले प्रधानमन्त्रीका केही चुनिएका सम्बोधनहरू प्रस्तुत गर्न लागेका छन् जसले देशलाई नयाँ बाटो देखाए। सेनाका अफिसरहरू अनि सैनिकहरूलाई वान र्याङ्क वान पेन्सन नपाएको धेरै समयदेखि गुनासो थियो। 2014 को चुनाव अभियानमा प्रधानमन्त्री मोदीले सीमाको रक्षामा ज्यानको बाजी लगाउने सैनिकहरूको यो मागलाई पूरा गर्ने वचन दिएको थियो जसलाई सरकार बनिनसाथ पूरा गर्यो। 31 मई 2015 प्रसारित मन की बातमा प्रधानमन्त्रीले यसरी चर्चा गरे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है।